संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल रुकने का नाम नहीं ले रही। दूसरे संडे भी इसने इतनी कमाई की जितनी आम फिल्में पहले दिन भी नहीं कर पाती। सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही मूवी ने आमिर खान की दंगल समेत सनी देओल के इस साल को आई गदर 2 के रिकॉर्ड को भी तहस नहस कर डाला। ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी फिल्म बहुत बढ़िया कलेक्शन कर रही है। रणबीर कपूर की इस फिल्म के हर सीन और हर गाने को लेकर चर्चा है। मूवी में रश्मिका का किरदार हो या तृप्ति डिमरी का कैमियो, लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। बॉबी देओल के कैरेक्टर को लेकर भी खूब बज है। इसी बज का नतीजा है कि एनिमल ने दूसरे संडे को इंडिया में 37.31 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया, जिसमें से 35.03 करोड़ रुपए इसके हिंदी वर्जन से, 2.02 करोड़ रुपए तेलुगु और 0.26 करोड़ इसके तमिल वर्जन से आए। फिल्म का इंडिया में कुल कलेक्शन 432.91 करोड़ रुपए हो गया है। इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो एनिमल ने 9 दिन में 660.89 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। माना जा रहा है कि फिल्म जल्द ही 700 करोड़ रुपए के नंबर को भी पार कर जाएगी। 3 घंटे 21 मिनट लंबी इस फिल्म में आमिर खान की दंगल के इंडियन लाइफ टाइम कलेक्शन को क्रॉस कर लिया। दंगल ने इंडिया में 387.38 करोड़ रुपए कमाए थे। एनिमल ने न सिर्फ दंगल को पछाड़ा है बल्कि दूसरे हफ्ते की कमाई के मामले में गदर 2, जवान और बाहुबली 2 को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैक्नल के मुताबिक गदर 2 ने दूसरे संडे 31.07 करोड़ रुपए, जवान ने 30.1 करोड़ रुपए और बाहुबली 2 ने 26.5 करोड़ रुपए कमाए थे। जिस हिसाब से एनिमल कमाई कर रही है देखकर यही लग रहा है कि कमाई का ये सैलाब मंडे को भी नहीं रुकने वाला। 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार के लिए एनिमल की देश भर में करीब 1.4 लाख टिकट बिक चुकी हैं। आंकड़े शाम तक और बढ़ेंगे, साथ ही टिकट खिड़की से डायरेक्ट टिकट खरीदने वाले लोग फिल्म देखने भी जाएंगे, इसलिए एनिमल दूसरे सोमवार को ठीक ठाक कमाई कर सकती है। सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही एनिमल ने 11वें दिन फिलहाल 3 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। लोगों का कहना था कि एडल्ट सर्टिफिकेट पाने के बाद इसकी कमाई धीमी होगी, लेकिन इस बात का भी नुकसान नहीं हुआ, उल्टा ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एडल्ट सर्टिफाइड फिल्म बन गई। एनिमल सोलो रिलीज नहीं थी, उसका सीधा क्लैश विकी कौशल के सैम बहादुर से भी था। हालांकि सैम बहादुर टिपिकल मसाला फिल्म नहीं है, इसलिए इन दोनों के बिजनेस को कंपेयर करना भी ठीक नहीं है। वैसे सैम बहादुर ने भी 10 दिनों में ठीक ठाक कमाई कर डाली है। मूवी ने 10वें दिन यानी दूसरे मंडे को 7.5 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म का कुल कलेक्शन इंडिया में 56.55 करोड़ रुपए हो चुका है। डंकी और सालार की रिलीज तक इन दोनों फिल्मों के पास बड़ी विंडो है। अगले 2 हफ्ते में कोई मेजर फिल्म भी नहीं रिलीज हो रही है, तो इसका फायदा सीधे सीधे एनिमल और सैम बहादुर दोनों को ही मिलने वाला है। आपने एनिमल देखी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी, और नई देखी है इन आंकड़ों पर आप क्या कहना चाहते हैं यही बता दीजिएगा। सारी जानकारी मेरी साथी मेघना ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। सिनेमा से जुड़े सारे अपडेट्स लेने के लिए आप ललन टॉप सिनेमा देखते रहिए। शुक्रिया।